Good morning, everybody. Thank you for your comments and questions जो आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे किए. तो इस सेशन में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के कमेंट्स और क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँ. एक ही क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, तो इट्स बेटर टू मेक अ वीडियो ताकि आप सब लोग जो यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दे विल फाइंड देयर आंसर हियर. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. थैंक यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अजय सरकार फ्रॉम बांग्लादेश. ही राइट्स, आई विल पे व्हेन आई अराइव इन पोलैंड. तो ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस काम में, कि पेमेंट जो है वो एडवांस देनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर कंसल्टिंग कंपनी. हम गैम्बलर्स नहीं हैं, हम जुआरी नहीं हैं, लाइक मैनी ऑफ अदर्स हु आर डूइंग दिस. वी आर जस्ट अ कंसल्टिंग कंपनी. जो गवर्नमेंट की फ़ीस है और जो एजेंसी की फ़ीस है, समबडी हैज़ टू पे दैट. और वी कैन नॉट पे इट फ्रॉम आवर पॉकेट, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग कंसल्टेंसी. वी आर नॉट गैम्बलिंग, वी आर नॉट गैम्बलर्स. ये तो ऐसी है जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाएं और उससे कहें कि भाई आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, लेकिन पैसे मैं तब आपको दूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा. तो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो इस बात पे मानेगा. तो ये भी ऐसा ही है कहना कि जी हम पहुंच जाएंगे तो हम आपको पे कर देंगे. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी. और जो इनिशियल पेमेंट है इस काम को स्टार्ट करने के लिए, उसका रिस्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स आपको खुद लेनी पड़ेगी, वो कोई दूसरा नहीं लेगा. अदरवाइज़ यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन टू फाइंड अ गैम्बलर. उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. इसके बाद आते हैं जी, इट्स मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो, कि प्लीज़ चेक माई वर्क परमिट, इज़ इट रियल और फेक. तो प्लीज़ एवरीबडी, जो लोग आप लोग चाहते हैं कि मैं चेक करूं, वी कैन चेक फ्रॉम द इशूइंग कंपनी, वी कैन चेक फ्रॉम द अदर सोर्सेज कि ये जेन्युइन है या नहीं है. तो इफ़ यू वांट अस टू चेक इट, तो आप प्लीज़ सेंड कीजिए ऑन व्हाट्सएप, ऑन माय ईमेल, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू चेक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ्रॉम खुरम शहजाद एंड राणा मानी. ये लिखते हैं जी कि दिस सर्टेन एजेंसी, में उसका नाम नहीं लेता, एजेंसी इज़ रियल और फेक. राणा मानी ऑल्सो सेड दिस कंपनी इन क्राकोव इज़ रियल और फेक. तो प्लीज़ आप लोग मुझे सेंड कीजिए कंप्लीट एड्रेस ऑफ दैट कंपनी, एंड आई विल ट्राई टू चेक फ्रॉम माय सोर्सेज अबाउट दैट कंपनी, व्हाट इज़ द रेपुटेशन, व्हाट हाउ लॉन्ग दे आर वर्किंग इन दिस स्पेसिफिक फील्ड ऑफ बिजनेस. तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ सेंड मी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. आई कैन नॉट जस्ट सीइंग दैट नेम कैन टेल यू एनीथिंग. जस्ट सेंड मी एवरीथिंग यू हैव ऑन दैट कंपनी, एनी एड्रेस, एनी डॉक्यूमेंटेशंस दे सेंड यू. तो ये सब कुछ मुझे भेजिए और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू फाइंड इफ इट्स जेन्युइन और नॉट. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इब्रार खान फ्रॉम सऊदी अरेबिया. ये लिखते हैं जी कि तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं और मैंने अप्लाई किया हुआ है किसी एजेंसी के थ्रू, तो अभी तक कोई वर्क परमिट नहीं आया, तो इस बारे में कुछ बताइए. तो आई विल टेल यू, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months मैक्सिमम इट टेक्स. समटाइम इट कम्स इन 2 months, समटाइम इट कम्स इन 45 days, बट मैक्सिमम 3 to 4 months टाइम है. इसके अंदर वर्क परमिट विल ऑलवेज कम आउट. तो आई डोंट नो किस एजेंसी के थ्रू इन्होंने अप्लाई किया है, एंड व्हाट हाउ कैन आई से एनीथिंग अबाउट इट. तो ये तो उनको ही पता है कि उन्होंने कहाँ अप्लाई किया और क्यों इतनी देर हो गई है, लेकिन यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता. इट मींस कुछ गड़बड़ है.
एंड व्हेन यू अप्लाई थ्रू समबडी ऑलवेज आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट दैट वर्क परमिट इज़ अप्लाइड. एक लेटर मिलता है, जैसे एक रसीद समझ लीजिए, एक लेटर समझ लीजिए मिलता है जो कि इस बात की कंफर्मेशन होती है कि योर वर्क परमिट इज़ अप्लाइड थ्रू सम कंपनी एंड यू कैन बी श्योर दैट वर्क परमिट इज़ अप्लाइड एक्चुअली. तो ये कंफर्मेशन लाजमी मांगी अपने एजेंसी से, एजेंट से. ये कम से कम इस बात का सबूत होगा कि वर्क परमिट जो है वो अप्लाई हो गया है एक्चुअली. इट्स बिकॉज मुझे किसी ने सेंड किया था जस्ट एक लेटर हेड पे, किसी कंपनी के, पोलिश कंपनी के लेटर हेड पे लिखा हुआ था कि हमने अप्लाई किया हुआ, दैट इज़ नॉट अ जेन्युइन सबूत. जो सही सबूत है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है या गवर्नमेंट का जो लेटर है, जो एप्लीकेशन जब फाइल होती है वर्क परमिट की, वो है असल सबूत. सो आस्क फॉर दैट. मैं यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ. व्हाट इट मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पोलैंड, तो इट यूजुअली लुक लाइक दिस. आखिर में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डू नॉट कॉल मी ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर वे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू आंसर ऑल द कॉल्स. फर्स्ट प्लीज़ जस्ट सेंड मी अ मैसेज, अपनी सिचुएशन बताइए, अपना नाम बताइए. लोग स्टार्ट हो जाते हैं हाय और आई डोंट नो हु इज़ दैट. एट लीस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, देन टेल मी अबाउट योर सिचुएशन, योर लोकेशन, योर प्रॉब्लम, योर करंट सिचुएशन. ये सब कुछ आप मुझे मैसेज में छोड़ दीजिए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. एंड इफ़ यू वांट वन एंड वन कंसल्टेशन, तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे जाके यू कैन बुक अ स्लॉट ऑनलाइन एंड 5 मिनट्स इज़ फ्री फॉर वन एंड वन कंसल्टेशन. तो इससे ज़्यादा जो है दैट इज़ पेड, तो वहाँ से आप बुक कर सकते हैं स्लॉट. And I will be definitely talking with you about your personal situation and problems. I hope you like this session. और भी जो भी आप लोगों के questions हैं, please write me in WhatsApp, in email, in YouTube. आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं यहाँ पे छोड़ दीजिए. I will be definitely making video on your questions. And every Sunday I will be making a video of Q&A, and I hope lots of people find their answers, jo log jo bhi puchna chahte hain. And please subscribe this channel. Agar aap subscribe karenge to acha hai, nahi karenge to bhi koi baat nahi. Thank you.